ताइवान देश या एक रहस्य। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ताइवान के बारे में कुछ खास बातें। दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को देश नहीं मानते, इसलिए हर 6 महीने बाद स्वतंत्रता घोषित करना पड़ता है। कुछ लोग ताइवान को देश मानते हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग ताइवान को चाइना का एक देश के अंदर स्थित सरकार मानते हैं। ताइवान एक देश है या नहीं, अगर इसकी सच्चाई अगर देखी जाए तो इसके पीछे एक रोमांचक कहानी है। ताइवान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो 1912 में बनाया गया था। बोलबिल 2 के बाद चाइना में एक सिविल वार शुरू हुआ और चाइना के दो बड़े राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी एक दूसरे के साथ युद्ध में उलझ गए। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ने नेशनलिस्ट पार्टी को बहुत ही बुरी तरह हरा दिया, इसलिए नेशनलिस्ट पार्टी के जीतने भी बड़े राजनीतिक नेता समर्थक थे, जो लोग अपना सब कुछ लेकर ताइवान आ गए। लगभग 20 लाख से अधिक लोगों ताइवान में बसाया गया और ताइवान की राजधानी ताइपे को चाइना की नई राजधानी घोषित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ताइवान और चाइना की सरकार एक दूसरे को ईलिंग बताते हैं। एक चाइना पॉलिसी के अनुसार कोई भी देश ताइवान में एम्बेसी नहीं खोल सकता। चाइना और दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को दूसरी सरकार से चलाने वाला चाइना का ही एक अंश मानते हैं, लेकिन ताइवान का अलग संविधान, प्रजातंत्र सरकार और सुरक्षा बल है। ताइवान एक ऐसा देश जहां के मंदिरों में कुत्तों को पूजा जाता है। ताइवान की ज्यादातर लड़कियां धूप में घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वहां की लड़कियों का मानना है कि धूप से चेहरा खराब हो जाता है। ताइवान के ज्यादातर लोग बारिश को पसंद नहीं करते हैं। ताइवान एशिया का एक ऐसा देश है जहां के मध्यम वर्ग के लोग बहुत ही कम समय के अंदर धनवान होने में कामयाब हुए हैं। 1960 से पहले ताइवान इतना धनी और विकसित नहीं था, लेकिन 1960 में ताइवान में बहुत तेजी से बदलाव आना शुरू हो गया। 1970 से 80 के दौरान ताइवान की राजधानी ताइपे में बहुत ही बड़ा राजनीतिक और आर्थिक बदलाव आया और इस समय ताइवान में बड़ी कंपनियों का जन्म हुआ। ताइवान को एशिया का शेर भी कहा जाता है। ताइवान के ज्यादातर लोग दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। ताइवान की सरकार ताइवान की शिक्षा व्यवस्था में गणित और विज्ञान के ऊपर काफी जोर देती है, इसलिए ताइवान के छात्रों को गणित और विज्ञान में काफी अच्छा माना जाता है और यही कारण है ताइवान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। ताइवान के ज्यादातर लोग बड़ों को सम्मान देना पसंद करते हैं। ताइवान में घर आए मेहमान को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। ताइवान में सबसे ज्यादा 2 धर्मों के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म और तोय धर्म को मानते हैं। ये थी एसएम न्यूज रिपोर्ट।